Hey guys, how are you? Hope all of you are doing great. Let's redefine the CAT prep with me, Akash, your educator for the CAT examination. Guys, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं how to implement scanning, searching, selecting and solving. काफ़ी सारे CAT के aspirants mocks दे रहे होंगे और mocks के बाद आपको ये एहसास होता होगा कि मैं अपने potential के हिसाब से perform नहीं कर पाया, under optimized score मुझे मिला है. तो इस कमजोरी को दूर करने की जो टेक्निक होती है उसका नाम है 4S टेक्निक और यू कैन से SSSS टेक्निक. इसी टेक्निक के बारे में आज की क्लास में चर्चा करते हैं. स्कैनिंग, सर्चिंग, सिलेक्टिंग एंड सॉल्विंग, ये होता है उसका फुल फॉर्म. ठीक है, स्कैनिंग, जैसे ही पेपर आपके पास आए आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ऐसे बनाना नहीं है. आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले स्कैन करना है. स्कैन करने का मतलब जस्ट लुक एट द टाइप ऑफ टॉपिक्स दैट आर अपियरिंग इन द टेस्ट. तो लेट से पहला क्वेश्चन आ गया वर्क एंड टाइम, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा हो गया सर्कल्स, चौथा हो गया ट्रायंगल्स, पांचवा हो गया मॉड्यूलस के ऊपर एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आप टॉपिक्स को एक बार सिर्फ देखिए, आपको मार्क वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना, कुछ लिखना भी नहीं है, सिर्फ देखना है. एक मिनट तक देखिए, एक मिनट तक देखिए, उसके बाद फिर आँख बंद करिए और ये रिकॉल करिए कि ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं. ठीक है, हो सकता है ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन हों. ठीक है, तब आप ये सोचिए कि हाँ, आउट ऑफ दिस 34 क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन आई एम कंफर्टेबल विथ, राइट. अब उन क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप अपनी जो शीट, रफ शीट मिली, उस रफ शीट में क्वेश्चन नंबर मार्क कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, 2, 5, 7, 8, 9, 11. ठीक है, अब उसके बाद उनमें से भी सबसे ईजी क्वेश्चन कौन से हैं वो जरा सर्च करिए. ठीक है, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करिए. इस टेक्निक को आप लोग अप्लाई करिए, मेरी गारंटी है कि नेक्स्ट मॉक जो भी आप अपियर कर रहे हो उसमें आपका स्कोर अंडर ऑप्टिमाइज नहीं आएगा, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस आएगा. इसका मतलब जितने क्वेश्चन आप बना सकते थे उतने क्वेश्चन आप बना करके ज़रूर आओगे. ठीक है, ये टेक्निक अगर अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा. अगर ये टेक्निक अप्लाई नहीं करते, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनालिसिस भी नहीं करते. ठीक है, ये टेक्निक की तो बात ही दूर है, एनालिसिस भी नहीं करते तो पता भी नहीं चल पाता कि मैंने क्या गलती की. अगर आप ये बार बार एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलती हुई थी मेरे से, कि मैं गलत क्वेश्चन में फंस गया था या फिर पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, जबकि क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन है वो तो राइट जो है वो लास्ट में थे. ठीक है, तो अगर आप स्कैनिंग, सर्चिंग, सिलेक्टिंग एंड सॉल्विंग का टेक्निक नहीं लगा रहे हो अपने टेस्ट में, कैट के टेस्ट में, सेक्शनल टेस्ट जैसा ही है, तो आपको ये रियलाइज़ होता ही होगा कि यार ये लास्ट में तो वर्क एंड टाइम का एक बड़ा इजी क्वेश्चन था, ओके, बीच में तो एक लॉगरिथम को वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाया एंड सो ऑन, ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी. ठीक है, तो फिर से याद रखिए क्या टेक्निक का नाम मैंने बताया, स्कैनिंग, सर्चिंग, सिलेक्टिंग एंड सॉल्विंग. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.